हेडमास्टर हत्याकांड में दूसरा आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल। सुरक्षा की दृष्टि से चौथे दिन भी गांव में फोर्स तैनात। 3 थाना 1 प्लाटून PSC के ओटी गांव में तैनात। आरोपी के पटदारों में जमीन विवाद में मृतक पक्ष ने की थी पंचायत। जीनपुर कोतवाली क्षेत्र के गोयलपट्टी निवासी हेडमास्टर संजय यादव को 1 दिसंबर को बदमाशों द्वारा स्कूल जाते समय बाईपास ईट भट्टा के समीप गोली मार कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस ने चौथे दिन दोपहर लगभग 1 बजे जीनपुर बाजार के मुबारकपुर तिराहे के पास से आरोपी ब्रजेश यादव पुत्र मेवालाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अभी भी एक मुख्य आरोपी वीरेंद्र यादव उर्फ डब्लू प्रधानपति एवं प्रधान संघ ब्लॉक अध्यक्ष अजमतगढ़ को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। हालांकि पुलिस ने गुरुवार से ही अब तक दर्जनों स्थानों पर पुलिस छापामारी कर चुकी है और दर्जन भर से ऊपर लोगों को उठाकर पूछताछ कर चुकी है। इसके बावजूद सीसी कैमरा अन्य संसाधनों से भी अपराधियों की शिनाख्त करने में जुटी हुई है, पर पुलिस को सफलता हाथ नहीं लग रही है। गाँव में कई थानों की फोर्स PSC सहित लगा दी गई है, जिस वजह से दहशत बनी हुई है। वहीं शनिवार को क्षेत्राधिकारी सगड़ी सौम्या सिंह ने मृतक के पिता को आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द समस्त आरोपी पुलिस की हिरासत में होंगे, जिसमें एक आरोपी को पकड़ लिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। गांव में अभी भी पुलिस फोर्स तैनात है, जिससे गांव में लोग भय के वातावरण में जी रहे हैं। हालांकि पुलिस गांव में सुरक्षा की दृष्टि से लगाई गई है। तीसरे आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। हालांकि पुलिस हत्या के आरोपियों को पकड़ने के लिए कई जगह दबिश के साथ साथ कई कोणों से अपराध के जड़ तक जाने का प्रयास में लगी हुई है। हत्या के बाद से ही जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, उसे देखते हुए जीएनपी कोतवाली समेत SOG की कुल 4 टीमें लगाई गयी। वही हेडमास्टर के घर से बाईपास घटना स्थल तक जगह जगह लगे सीसी कैमरे को भी पुलिस खंगालने में जुटी हुई है, जिससे कि कोई सुराग निकल कर बाहर आ सके। कोतवाल यादवेंद्र पांडे ने बताया कि एक आरोपी मेवालाल को पकड़कर जेल भेजा जा चुका है, अन्य को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है, जबकि हत्या की अन्य कोणों से भी जांच की जा रही है। दिनांक 1 दिसंबर को थाना जीएनपुर पर ये सूचना प्राप्त हुई कि लगभग सुबह 9 बजे थानाध्यापक संजय यादव जो अपने विद्यालय जा रहे थे, तो रास्ते में जीएनपुर तिराहे के पास 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उन पर गोली चला दी। दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई। वादी शैलेश यादव जो मृतक के भाई हैं, उनके द्वारा जीएनपुर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया। इसमें 3 नामजद अभियुक्त हैं, मेवालाल और मेवालाल के दोनों पुत्र वीरेंद्र एन ब्रजेश यादव। तहरीर में प्रधानी रंजिश को मुख्य कारण बताया गया। जीएनपुर पुलिस के द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए कल राजेपुर तौराहे के पास अभियुक्त मेवालाल को गिरफ्तार किया गया है, जब वो भागने की फिराक में थे। मेवालाल का आपराधिक इतिहास 10 मुकदमों का है, जिसमें कई गंभीर धाराओं के अभियोग उनके ऊपर पंजीकृत हुए हैं। इसमें शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी और अन्य विधिक कार्रवाइयां शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएंगी।